है एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम रिव्यू करेंगे एक शैम्पू का विच इज़ बायोटिक बायोहेना लीफ फ्रेश टेक्स्चर शैम्पू एंड कंडीशनर तो मैंने रिसेंटली लाइक uh, like, uh, मैंने एक महीने पहले एक से डेढ़ महीने पहले इसे परचेज uh, किया था एंड मैं एक से डेढ़ महीने तक इसे यूज़ कर रही हूँ एंड हेयर इज़ माई फाइनल रिजल्ट ये जो uh, शैम्पू है ये uh, ऑलमोस्ट ऑल हेयर टाइप के लिए ही सूटेबल है सूटेबल है एंड जैसा कि आप लोगों ने देखा तो इसका जो फॉर्मूलेशन है वो शैम्पू एंड कंडीशनर का मिक्सचर है तो ये बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक एक ही साथ दोनों के बेनिफिट मिल रहे हैं तो इसके बहुत से साइज वेरिएंट्स हैं बट मैंने आ, जो लिया है इसका प्राइस है नाइन्टी नाइन रुपीज़ एंड इसमें क्वांटिटी आपको मिल रहा है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एम तो मैं इस बाकी साइज़ वेरिएंट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी डू चेक इट आउट तो बायोटिक प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिकली प्योर प्रिजर्वेटिव फ्री डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड नो एनिमल टेस्टिंग तो यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो कि आ, प्रिजर्वि uh, फ्री uh, इनके प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं वेल well, इनके प्रोडक्ट एफ डी ए स्टैंडर्ड से मैच करते हैं बायोटिक के मोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट्स के सेल्फ लाइफ थ्री ईयर्स तक होता है तो आई डोंट नो कि uh, ये लोग कैसे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स को तीन साल तक प्रिजर्व करते हैं रियली डोंट हैव एनी आइडिया एंड मोर थिंग कि बहुत लोग कहते हैं कि बायोटिक प्रोडक्ट्स आर सल्फेट फ्री आई ऑल्सो यूज टू थिंक बट uh, एक चीज़ देखा जाए तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है मतलब उनके ब्रांड डिटेल्स में या कहीं भी इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के uh, जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि दिस इज़ सल्फेट फ्री बट 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 मैनी पीपल से दैट दिस इज़ सल्फेट फ्री एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स uh, बहुत माइल्ड होते हैं एंड सेंसिटिव uh, स्किन के लिए uh, भी ये कहीं हद तक सूट करता है तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हेना लीफ हेना के बेनिफिट्स के बारे में तो हम uh, जानते ही है बहुत लोग uh, हेना लीफ को वेरियस वे में uh, अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं एंड uh, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सो so, या yeah, इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है हेना लीफ आ, तो आ, इसके अलावा यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग चेक कर सकते शैम्पू के बारे में ब्रांड क्या क्या क्लेम करते हैं वो मैं पहले आप लोगों को बताऊँगी उसके बाद मैं एज़ अ यूज़र मेरा एक्सपीरियंस शेयर uh, करूंगी सो so, yeah तो इसके जो क्लेम्स है कि ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा सॉफ्ट बनाएगा स्मूथ बनाएगा uh, हेयर को स्ट्रेंथन uh, करेगा हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करेगा हेयर फॉलिकल को रिपेयर करेगा या आपके हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा एंड uh, एक और जो चीज़ है कि दिस इज़ आइडियल फर इचुअर ग्रे हेयर एंड ये कहीं हद तक उसे आ, मतलब ट्रीट करता है तो ये थे कुछ इसके क्लेम्स अब मैंने आ, इसे डेढ़ महीने तक यूज़ किया है एंड येस दिस इज़ अ वेरी गुड क्लेंजर ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से क्ली आपके हेयर को एंड स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन करता है उसके साथ साथ ये आपके हेयर को कंडीशन भी करता है जिसके वजह से आपका हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है स्ट्रेंदन भी होता है एंड वैसे हेयर ग्रोथ तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखा नहीं एक्चुअली एंड एक और जो चीज़ ये ग्रे हेयर के लिए आइडियल है तो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम मुझे भी है एंड बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रे हेयर के प्रॉब्लम किडनी या लिवर के प्रॉब्लम से रिलेटेड है बट एक्चुअली मैंने एक बार डॉक्टर से बात किया बट उन्होंने कहा कि हेयर के पिगमेंटेशन एंड लिवर एंड किडनी के प्रॉब्लम में कोई भी रिलेशन लाइक like, कोई भी डिरेक्ट रिलेशन नहीं है सो एंड वैसे मैं भी एक प्रॉपर डाइट फॉलो करती हूँ मैं कोई uh, मतलब uh, ज़्यादा बाहर का खाना या जंक फूड नहीं खाती ग्रे हेयर का प्रॉब्लम था बट uh, मैंने uh, एक चीज़ जो देखा बट अभी वो बहुत हद तक रिड्यूज़ हो चुका है क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं है तो अभी मैंने ना मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी यूज़ करूँ वो माइल्ड हो आ, तो वो किसी भी ब्रांड का हो फर्क़ नहीं पड़ता बट अच्छा ब्रांड होना चाहिए माइल्ड प्रोडक्ट्स होना चाहिए तो या इसके बदौलत मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है मतलब अब मेरे ग्रे हेयर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी ओके एंड अगर बात करें इसके बारे में देखिए ये हेयर को मतलब ग्रे हेयर को ट्रीट करता है कई हद तक एंड एक इनके प्रोडक्ट्स माइल्ड होते हैं जिसके वजह से आपके हेयर के आ, मतलब पिगमेंटेशन में कोई भी इरप्शन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाता है जिसके वजह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा एंड देखा जाए तो ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है बट ये क्योंकि एक जेल बेस्ड क्योंकि ये एक जेल बेस्ड शैम्पू है ये ऑयली हेयर के लिए भी सूटेबल है एट द सेम टाइम ये मॉइस्चराइजिंग uh, होने की वजह से ड्राई हेयर टाइप के लिए भी सूटेबल है सो इफ़ यू वांट आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो ये ऑल सीजन के लिए सूटेबल है अब बहुत लोग बोलते हैं कि फॉल uh, 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 क्या रिड्यूस करेगा हेयर uh, फॉल का प्रॉब्लम मुझे भी है बट इसे यूज़ करने के बाद मेरा हेयर फॉल कुछ इंक्रीज़ भी नहीं हुआ है एंड ज़्यादा कुछ डिक्रीज़ भी नहीं हुआ है तो so, अगर आप एक अच्छे क्लेंज़र एंड कंडीशनर को एक साथ ढूंढ रहे हो सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड ये हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है एंड uh, इसका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल uh, है अफोर्डेबल uh, प्राइस में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है सो आई होप कि ये रिव्यू आप लोग के लिए हेल्पफुल था सो so,